that some children are not aware of this and that properly. ठीक है, clearly उनको समझ नहीं आया है, they are little confused. So I am going to tell you again, जिनको आता है कुछ आप सुनेंगे. Good morning. Good morning. जिनको आता है कुछ आप सुनेंगे. Good morning बेटा. Very good morning. जिन बच्चों को आता है वो चुपचाप ध्यान से सुनेंगे और जिनको नहीं आता है वो और ध्यान से सुनेंगे. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. व्हाट इज दिस एंड दैट कॉन्सेप्ट? ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन टुडे. एक बार फिर मैं बता रही हूँ आपको, सो दैट आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. आप लोग बताना मुझे स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा. I'm going to show you this and that only. We are going to revise this and that only. Okay. So, are you able to see the screen? Rudransh, yes, screen nazar aa raha hai aapko? Yes, ma'am. I'm the clear screen. Yes. Thank you. And I'm your other. Okay. Now mute everyone. Mute yourself. ठीक है, अभी सब ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, बाद में मैं question and answering करूंगी. Then I will ask you. ठीक है अर्षित, अपना वीडियो ऑफ करो. रुद्रांश, वीडियो ऑफ करो. Now we will discuss this, that, these and those. Okay? Where we have to use this and that. पहले this and that समझ लेते हैं, उसके बाद we will go to these and those. Okay? First we will talk about this. ठीक है, this हम कहाँ यूज करते हैं, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ आज, सो दैट आपको भी हो सकता है इंग्लिश में क्लियर ना हो रहा हो. मैं हिंदी में बता रही हूँ, सो दैट ध्यान से सुने. ठीक है, दिस हम कहाँ यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में? दिस हम वहां यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं और वो चीज हमारे पास में होती है. सपोज दिस इज अ पेन. ठीक है, ये पेन मेरे पास है. ओके, सो आई विल से दिस इज अ पेन, और ये एक पेन है. दिस इज वन पेन ओनली. ठीक है, then I will say this is a pen. Okay, अब हम बताएंगे कि हम that कहाँ use करते हैं. Suppose I'll give one more example of that. This is a register. This is a register. I will say क्योंकि ये एक register है मेरे पास, सिर्फ एक है. It's one in quantity. And this is near to me. ये मेरे पास है. Okay, so I will say this is a register. Okay, now we will say, we will talk about that. When we use that, हम that कब use करते हैं? That हम तब use करते हैं जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं पर वो चीज हमसे दूर होती है. Okay, वो चीज हमसे दूर होती है. This हम near के लिए use करते हैं, that हम far के लिए use करते हैं. Near का meaning pass, far का मीनिंग दूर. ओके, सो दैट हम कहां यूज करेंगे? दैट इज अ सन. सन हमसे बहुत दूर है. ओके, दैट इज अ मून. ओके, सपोज आप अपने घर में बैठे हो. ठीक है, एंड विंडो से आपको दूर कहीं कोई ट्री दिख रहा है, वो आपके पास तो नहीं है ना, दूर है वो ट्री, आपके पास में नहीं है. सो यू विल से दैट इज अ ट्री. ओके, क्लियर? This and that का ये concept होता है, आपको बहुत जरूरी है ये समझना. This हम तब use करते हैं जब कोई चीज हमसे near होती है, pass होती है and quantity में one होती है, एक होती है, कोई एक चीज. That हम तब use करते हैं जब कोई भी चीज हमसे दूर होती है, दूर होती है और quantity में one होती है, सिर्फ एक होती है. ठीक है, आई होप दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. ठीक है, जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है उनको 100% क्लियर होगा. जो बच्चे नहीं सुनते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, ओके, सो ये बहुत जरूरी है आपके आगे के लिए कॉन्सेप्ट समझना, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज ऑलवेज. आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, कहाँ दिस यूज करना है, कहाँ दैट, कहाँ दीज, कहाँ दोज. ओके, नाउ Let's move to the these and those. अच्छा, these हम कहाँ use करते हैं?
वहां यूज करते हैं जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो और हमारे पास हो, ठीक है। एक से ज्यादा दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, दस भी हो सकती है, पचास, फिफ्टी भी हो सकती है, हंड्रेड भी हो सकती है, ओके। जब भी कोई चीज हमसे हमारे पास होती है एंड क्वांटिटी में ज्यादा होती है, आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दीज टू पेन्स। ये दो पेन है मेरे पास, दीज टू पेन्स, ठीक है। दे आर मोर देन वन, एक से ज्यादा है, वन टू, टू पेन्स है, बट दे आर नियर टू मी, ये मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास है। सो आई विल से दीज आर पेन्स, ठीक है, आई विल से दीज आर पेन्स, क्योंकि ये मेरे पास है, मेरे पास में है, नियर है एंड ये क्वांटिटी में वन से ज्यादा है, दे आर टू इन क्वांटिटी, ओके। नाउ व्हाट वी से, आई विल गिव यू एग्जांपल, यस, आप प्लीज म्यूट कीजिए, अभी अपने आप को ध्यान से सुनिए। मैम इसको कॉपी में करूंगी क्या? नहीं, ये कॉपी में आपको करना था लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट टाइम जब मैंने ये दिया था, आपने किया नहीं है ये कॉपी में। ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। लास्ट क्लास में, इस क्लास में मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। मैम मुझे कॉन्सेप्ट हो गया, अभी आई एम एक्सप्लेनिंग, नोबडी विल डिस्टर्ब, मैं जब एक्सप्लेन कर लूंगी उसके बाद मैं पूछूंगी किसको क्लियर हुआ किसको नहीं हुआ, ठीक है। नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कोई नहीं करेगा अभी अपने आप को, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज, दीज मैंने आपको समझा दिया, अगेन यू आर अनम्यूटिंग योरसेल्फ, आई एम सेइंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए मैं बार बार एक ही चीज को समझा रही हूँ, उसमें मेरा बेनिफिट नहीं है बेटा, इट्स योर बेनिफिट, ठीक है, वरना मुझे जरूरत नहीं थी, मैं भी और क्लासेस की तरह आगे बढ़ जाती, बट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू बिकॉज आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, सो प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, आई रिक्वेस्ट यू। दीज का मैंने आपको क्या बताया अभी कॉन्सेप्ट, व्हेन थिंग्स आर नियर टू यू, जब चीजें आपके पास है एंड वन से ज्यादा है, मोर देन वन, सो वी यूज दीज इन दैट सिचुएशन, उस टाइम पे हम दीज यूज करते हैं। Now we will talk about those. हम those कब use करते हैं किसी sentence में? हम those किसी भी sentence में तब use करते हैं जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है, ठीक है, and हमसे दूर होती है, ठीक है। These हमने कब use किया? जब एक से ज्यादा होती है और हमारे पास होती है। Those हमने use किया एक से ज्यादा होती है और हमसे दूर होती है। Suppose I'll give you an example of stars, ठीक है, stars sky में हैं, they are far from us, बहुत दूर हैं, and there are so many in numbers, you know, एक तो नहीं है ना star, बहुत सारे हैं stars, more than one, बहुत सारे, we can't even count them, so we will use those for that, हम उसके लिए those use करेंगे, those are stars. These are pens, okay? Like this. So hope you understood this because I've explained you again and I'm going to ask you these questions. Let me see kis kis ko kitna samajh aaya. Acha, come to number six. Number six dash are watches. Now I will ask kya aayega yahan pe? Dash are watches. Look at the arrow. बिग एरो है, इसका मतलब क्या है कि ये वॉचेस दूर हैं। स्मॉल एरो है तो ये, अगर स्मॉल एरो होगा तो मतलब पास है, इट्स नियर, ठीक है। नाउ यू टेल मी डैश आर वॉचेस, व्हाट विल कम हियर? आई विल आस्क, नोबडी विल आंसर लाइक दैट, प्लीज। Mute yourself.
ओके सिद्धार्थ टेल मी डैश आर वॉचेस व्हाट विल कम हियर लुक एट द स्क्रीन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 6 डैश आर वॉचेस व्हाट विल कम हियर दोस मैम फुल सेंटेंस बोलिए पूरा सेंटेंस बोल पूरा सेंटेंस बोलो बेटा यहाँ पे क्या आएगा दो मैंने पूरा सेंटेंस बोलो फिर उसके बाद क्या लिखा है वो बोलो दोस और आगे दो वॉच हमने यहाँ ये दो है हाँ मुझे नहीं मैम को बताओ क्योंकि ये दो है Those are watches. We have used those here because ये watches हमसे दूर है and they are more in numbers. एक से ज्यादा है numbers में. Okay? So that is why we have used those. Okay, now I will ask you someone else. Mute yourself, please. Dash are lorries. Look at these lorries. इसमें big arrow है. Arrow is big. That means जो lorries हैं, these are far. ये दूर हैं. Now I will select someone and that child will answer me. वैभवी उपाध्याय. वैभवी. Yes, ma'am. Fill in the blank number 2. Tell me. Dash are lorries. What will come here? Lorries are far from you. Far from us. Yes. Those are lorries. Very good. Okay. Now let's come to the fourth one. Vaibhavi, apne aap ko mute kijiye, please. I will ask someone else. Dash is a kite. Kite. Now look at the arrow. Arrow small hai. That means kite jo hai aapke paas mein hai. Theek hai? And look at the number. Kitni hai? One hai. Then what will come here? Dash is a kite. I will ask someone. आप ऐसे answer नहीं करेंगे. I will ask someone. Samar Chauhan. Samar Chauhan. Unmute yourself, Samar. Yes, ma'am. Okay. Now tell me. Number 4. Dash is a kite. What will come here? This. Look at the arrow, yes? This. What will come here? This. Oh, okay, yes. This is a kite. यहाँ पे हमने this क्यों use किया है? Because kite is near to us. ठीक है, kite हमारे पास है. And it's one in number. ये one है, okay? So now I have explained you this. I hope सभी बच्चों को clear हुआ होगा. I will ask one more. Okay. Dash is a camera. Look at this camera. कितने cameras हैं picture में? Number 3 sentence. Sentence number 3. Dash is a camera. अब मैं किसी से पूछूंगी कि अभी सभी mute करेंगे अपने आप को. Dash is a camera and look at the camera. Okay, look at the camera. Dash is a camera and this camera is far. देखो बड़ा arrow है ना? It's a big arrow. So this camera is far. Now tell me, Adhya Gupta. So Adhya Gupta, please tell me. आपको समझ आया? Yes, ma'am. Adhya Gupta. Adhya, yes, ma'am. Now tell me what will come here. Number 3 sentence. Dash is a camera. What will come here, Adhya? Dead. There is only one camera. And yes, very good. That
means you understood. Last class में आपको clear था, आज revise कराया है, so that जिन बच्चों को clear नहीं हो रहा है, now they can. Ma'am, ये do है. Yes. One है, one. Yes. Yes. ये है only one. Camera is only one. Yes. Camera is only one and it is far, far away. दूर है. ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि ये जो big arrow है ना, इसकी वजह से. ठीक है, हमने इस तरह से डिफरेंशिएट किया इसे. बिग एरो की वजह से हमें पता चला दैट इट इज फार, सो वी विल यूज दैट. दैट इज अ कैमरा. ओके ओके, नाउ आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस एंड दैट कॉन्सेप्ट. अगेन नाउ वी विल मूव टू अनदर वर्कशीट. मैं म्यूट कर दू? हाँ, म्यूट करो. आई एम गोइंग टू शेयर अनदर वर्कशीट नाउ. Are you able to see the worksheet? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. No, ma'am. Mute yourself. Ma'am, nahi dikh rahi. नहीं दिख रहा. मैम थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा नीचे. नो मैम, नो मैम. किसको दिख रहा है? थम्स अप करिए. किस किस बच्चे को दिख रहा है? मैम थोड़ी सी नीचे करना, मुझे पूरा नहीं दिख रहा है. नहीं बेटा, वो मैं कर लूंगी, बट अभी दिख रहा है फिलहाल आपको. ओके, काफी सारे बच्चों को दिख रहा है. अभी दिखेगा, आप सबको भी दिखेगा. इंटरनेट कनेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा है. आप अपने वीडियोस को ऑफ कर लीजिए. अच्छा, अपने आप म्यूट करो. अपने आप म्यूट. अभी आप समझ लो, फिर आपको बुक में करना है, ये कॉपी में अभी नहीं करना है. ठीक है, ओके. Write the answers of the following exercises given below. Please mute yourself. Mute करें सब अपने आप को. फिर आप unmute हो रहे हैं बार बार. But I will not explain. मैं direct ऐसी दे दूंगी आप लोगों को worksheet, अगर आप सुनेंगे नहीं तो. Mute कीजिए. Now listen carefully. Write the answers of the following exercises given below of unit family at the beach. मैं चुप रहो, ठीक है? अभी आप सब म्यूट रखो अपने आप को. वेट मैम. हाँ मैं समझ. यशस्वी अपना वीडियो ऑफ कीजिए. आध्या अपना वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज. यशस्वी वीडियो ऑफ करो. यशस्वी बिष्ट. यशस्वी वीडियो ऑफ करो अपना. Okay, this right or wrong is in your book, unit 1. Unit 1 में English आपकी जो book है, Wow English, उसमें my family जो chapter है, ये right or wrong. सभी करना है क्या? मैम थोड़ा सा नीचे करिए. क्या मैंने आपको कुछ बोला है अभी? Did I tell you anything? आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है. I'm just starting the question and you've started talking. मैम ये अभी की पूरी बात. आध्या गुप्ता अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगी. प्लीज डोंट अनम्यूट योर सेल्फ आध्या गुप्ता. लिसन टू मी केयरफुली. डोंट आस्क क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. पहले पूरी बात सुन लो मैम की, उसके बाद डाउट हो रहा है आपको, देन यू कैन आस्क.
I'm explaining and you're interrupting all the time. Adya, I'm not going to ask you any question from the next time, I'm telling you. If you will do the same. पहले पूरी बात तो सुन लो मैम की. You just have to speak in between. Again, I have to start. Question number one is from your book, Unit 1, My Family. आपकी जो book है, English की book, Wow English, उसमें Unit 1, My Family में से है ये question. Page number 12. Okay, you have to tick the correct answers, correct sentences. I am reading out to you. Listen to me carefully. सब कुछ worksheet में दिया हुआ है. And ये worksheet I will send you today. मैं भेजूंगी भी आपको. इसलिए tension लेने की कोई जरूरत नहीं है. कि मैम कैसे करना है, क्या करना है. आपको ये कॉपी में भी नहीं करना है. लेट मी सी. ओके, ये कॉपी में भी नहीं करना है, जस्ट करना है आपको. सेंटेंस नंबर वन ए. Anita and Rohan go to a beach with their family. Beach लिखा नहीं है. Look at the picture. Beach की picture बनी है. Okay. ये chapter Anita and Rohan का है जो हमने पढ़ा था revision में. जो दो बच्चे beach में गए थे sand castle बनाने के लिए अपने parents के साथ, जिन्होंने sand castle बनाया था. Okay. I think आपको याद होगा. आप ये पहले भी कर चुके हो April May में. और मैंने फिर से रिविजन भी कराया था आप लोगों को. सो नंबर ए, अनीता एंड रोहन गो टू अ बीच विद देयर फैमिली. अनीता एंड रोहन बीच जाते हैं दी फैमिली के साथ. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. वो जाते हैं. बी, दे सी अ लायन एट द बीच. इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज रॉन्ग. उन्होंने कोई लायन नहीं देखा था बीच में. सी, Anita has a shovel and a bucket. Okay, उनके पास एक shovel and bucket था. ठीक है, digging के लिए use होता है shovel. Okay, and bucket उन्होंने जो sand थी उसको इकट्ठा करने के लिए अपने पास रखा था. Okay, so that was correct. वो ये इसी तरह से इन दोनों चीजों को use करके sand castle बना रहे थे. So this sentence is correct. D, they build a castle at the beach. उन्होंने कैसल बीच पे बनाया था. ओके, वो हमने रीड किया था चैप्टर में जो हमने रीडिंग की थी. यस, दिस इज ट्रू. देन वी विल टिक इट. हम टिक करेंगे इसको. ई, दे डेकोरेट द कैसल विद शेल. इज इट? उन्होंने क्या कैसल को शेल के साथ डेकोरेट किया था? नो, दिस इज रॉन्ग. शेल के बारे में उस चैप्टर में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा. सो दिस इज रॉन्ग. वी विल कीप इट रॉन्ग. इट इज नॉट ट्रू. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. फिल इन द ब्लैंक्स टू आंसर द क्वेश्चंस. हम इनको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे. ए, व्हाट डू अनीता एंड रोहन डू एट द बीच. अनीता एंड रोहन ने बीच में क्या किया? What do Anita and Rohan do at the beach? Yes, Anita and Rohan build a sand castle at the beach. Anita and Rohan ne sand castle build kiya hai beach pe. Okay, now come to the next one. What do they use to build the sand castle? उन्होंने क्या यूज किया सैंड कैसल बिल्ड करने में? बिल्ड. बिल्ड का मीनिंग होता है बनाना, किसी चीज को बनाना. ओके, दैट इज कॉल्ड बिल्ड. व्हाट डू दे यूज? क्या यूज किया उन्होंने? दे यूज अ शॉवल एंड अ बकेट टू बिल्ड द सैंड कैसल. आपको बताया था शॉवल एंड बकेट का यूज किया था उन्होंने सैंड कैसल को बनाने के लिए. नाउ सी, Where does the staircase go? जो उन्होंने स्टेयरकेस बनाया था वो किस तरफ जा रहा था? स्टेयरकेस. Where does the
करते हैं किस गो. देखो ये क्वेश्चन आंसर्स एंड ये जो फिल इन ये जो ट्रू फॉल्स हैं ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं. दिस दीज कम कैन कम इन योर एग्जाम्स, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. लास्ट टाइम जो मैंने डेमो टेस्ट दिया था उसमें भी आए थे, सो रीड इट केयरफुली. तो इसका आंसर क्या है, द स्टेयरकेस गोज टू द बेसमेंट. वो स्टेयरकेस बेसमेंट की तरफ जा रहे थे. ओके, बेसमेंट कौन सा एरिया होता है, जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे का एरिया जो होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है ना आपका, जहाँ पे आप जिस किसी घर में रहते हो, तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हो तो नीचे जो स्टेयरकेस जाते हैं, जो सीढ़ियां जाती हैं, उस एरिया को बेसमेंट कहते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के यहाँ बेसमेंट पार्किंग भी होती है, जैसे मॉल्स में होती है बेसमेंट पार्किंग. मॉल के नीचे, मॉल जो फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है उससे नीचे को स्टेयर्स जाती है, रैंप नीचे को जाता है, जहाँ हम कार पार्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बेसमेंट एरिया. ठीक है, सो आप इस तरह से समझ सकते हो व्हाट इज बेसमेंट इज ऑल अबाउट. लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक एंड दिस इज ओनली फॉर द रीडिंग प्रैक्टिस. ओके, क्वेश्चन टू, रीड द सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू फॉर करेक्ट सेंटेंस and false for wrong sentence. Read the sentences and write true for correct sentence and false for wrong sentence. This is true false. Family members care about you. Aapke family members aapki care karte hain. Is it true? Yes, true. Number two. Okay, let me ask someone to read. Swastik, unmute yourself. Swastik Suri. Yes, ma'am. Unmute yourself. Yes. स्वास्तिक नहीं पढ़ पाएगा तो आई विल आस्क समवन एल्स. स्वास्तिक रीड इट. एवरीवन हैज अ स्पेशल फैमिली. इट इज नॉट एवरीवन, इट इज एवरीबॉडी. ओके, इट इज नॉट एवरीवन, दो एवरीवन कैन बी यूज्ड हियर, वो भी यूज हो सकता है, बट एवरीबॉडी इज रिटन हियर. एवरीबॉडी has a special family, yani sabki ek special family hoti hai. This is true. Okay, now Swastik mute. Kritika Singh unmute yourself. Kritika Singh, Aradhya Mishra, unmute yourself, Aradhya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read the sentence number three. Read sentence number three, Aradhya. A small family is a special family. Very good. A small family is a special family. Is it true or false? False. Is it true or yes, it's false, because only false. Small family is not a special family. Big family can also be a special family. Okay, koi bhi family special ho sakti hai, whether it's big or small. So this sentence is wrong and false. Okay, so we have written false here. Okay, Aradhya, mute yourself Aradhya. I will ask someone else to read. Rudran Sharma, unmute yourself. Rudransh? Ma'am. Rudransh.
read the sentence number four. Read number four sentence. Don't ask anyone. किसी को पूछेंगे नहीं आप. Then there is no use of reading. बोलिए. It के बाद क्या बोला आपने? It बोला. Okay. After that. Fun. पढ़ो बेटा. Yes. Family. With के बाद आपने क्या पढ़ा? With. Our. Yes, good. With our family. It is fun to be with our family. But our reading practice is must. Okay, it's better कि आप रोज four lines, four sentences पढ़ें. ठीक है, it is very important for you all, not just for Rudransh, for everyone. ठीक है, I just expect कि आप सभी बच्चे four sentences a day. Will not take more than 5 minutes. 5 to 10 minutes लगेगा आपको. कुछ बच्चों को तो 5 minutes भी नहीं लगेगा. Yes. That में और fourth में क्या आएगा? True and false. It is true. It is fun to be with a. It is fun. आप पहले mute करें अपने आप को. It is fun to be with our family. ये आएगा true. It is true. आपको मजा आता है ना family में रहने में? हर सबको मजा आता है फैमिली में रहने में. इट इज फन टू बी विद आवर फैमिली. फैमिली के साथ रहने में बहुत मजा आता है. सो दिस इज ट्रू. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ट्रू. सो यू डोंट हैव टू राइट दिस. ये क्वेश्चन नंबर जो टू है, इट इज जस्ट फॉर रीडिंग. ठीक है, बट आप रीड करोगे इसे. ठीक है, इट कैन कम इन योर एग्जाम्स. सो आप इसको रीड करो. नो नीड टू राइट दिस वर्क. बट क्वेश्चन नंबर वन को, क्वेश्चन नंबर वन जो राइट है रॉन्ग है उसको एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप अपनी बुक में करेंगे पेज नंबर 12 में. ओके, सो लेट्स बाय बाय फॉर नाउ. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. दूसरी क्लास में मिलते हैं. ठीक है, पेज नंबर मैथ्स बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम.